लिस्ट टाइप्स बना सकते हो एक वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट पे, उसमें आपको जो जो चीजें चाहिए वो उसमें डाल दो. देयर आर डेज इन व्हिच आई डोंट फील ऑल राइट, ठीक है, और वो सबके साथ होता है. डायपर रैश, डायपर क्रीम, बेबी वॉश, क्लोथ्स, नाइट क्लोथ्स, बिब्स. और यहाँ आती सबसे पहले मैंने प्रशांत को बोला, मैं प्रशांत आई एम टायर्ड. नमस्ते सस्री अकाल, कैसे आप सबके हाल. मेरा नाम है ऋतु, वेलकम बैक टू अनदर डे, अनदर व्लॉग. सैटरडे वाला दिन है और कल मैंने अपना जो 9th मंथ है वो शुरू किया है, तो 3rd ट्रेमेस्टर का जो लास्ट मंथ है वो शुरू हो चुका है. और उसके बाद ऐसा लग रहा है प्रेशर कि कितना कुछ है करने के लिए. देर इज़ अ लॉट दैट वी हैव टू प्लान फॉर दिस मंथ. और आज हम काफ़ी कुछ उसमें से प्लानिंग प्लॉटिंग करेंगे. एग्जैक्टली क्या हो रहा है लाइफ में आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे. आई एम होपफुल ये सब जब आप देखो तो आपको अच्छा लगे. लेट्स रोल. और इस भसड़ में हमारे साथी हैं प्रशांत. हाय प्रशांत, हाउ इज सैटरडे गोइंग. अभी तो शुरू हुआ है बट काफ़ी काम है हमें आज. आई थिंक चीज़ें कुछ आप बेबी रिलेटेड शॉपिंग वॉपिंग और ये सब चीज़ें करेंगे. हाँ, और देखते हैं क्या और पता है मैंने ना एक ऐप डाउनलोड कर रखी थी, उसमें आता था लाइक आई एम कमिंग इन लाइक 100 days, 80 days, 90 days. तब मुझे नहीं लगता था, अब मुझे जेन्युइनली कल मेरे को वो एक नोटिफिकेशन आया, मेरे को मेरी बैंड बज गई. हाँ, मतलब जब दिन कम होते जा रहे हैं, स्ट्रेस में हो रही है, तो अभी तूने ऐप डिलीट कर दी. नहीं अभी नहीं किया मैंने, तो कर देना. तो डिलीट कर दे उसको. सबसे पहले हम खाना खाते हैं, उसके बाद हमें थोड़ी बहुत प्लानिंग करनी है. ऑनलाइन इतनी सारी चीज़ें लाइक करके रखी हुई है. एंड टुडे इज द डे जब हम साथ में बैठ के काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्डर करने वाले हैं. कंफ्यूजन मैक्स है. आई थिंक हम कंफ्यूज क्यों इतने. वाह क्या सीन है, भगवान भरोसे चल रहा है हमारा. तो अभी भूख लग रही है, पेट पूजा के लिए हम बना रहे हैं. मैं भूल गई. क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है. ग्रिल्ड बॉम्बे सैंडविच. तो ये सैंडविचेस नहीं है, ये सिर्फ ब्रेड है, इसमें हरी चटनी लगाई है मैंने, ये हमारी वेजिटेबल्स हैं और इसमें चाट मसाला डलेगा, अमूल चीज़ स्लाइस डलेगी और बटर डलेगा. ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है यहाँ बहुत सारे टाइप की चीज़ मिलती है तो यस, बहुत सारी चीज़ों में अच्छी लगती है, बट कभी कभी ऐसी चीज़ों में ऐसे वो पुरानी बचपन की यादों वाली चीज़ें होती है ना, तो आज हम वो डालने वाले हैं इसमें. ग्रिलर मैंने ऑन कर लिया है, प्रशांत और मैं इसे खाते हैं, हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद है. और मुझे तो मतलब ऐसे जब ऑफिस के बाहर वो जो सैंडविचेस मिलती है ना, वैसा वाला फ्लेवर है इसका, तो अभी ये खाते हैं. देखो पता है लोगों का कहना होता है कि अगर तुम कभी मुंबई गए नहीं और आपने तो तुमने कभी बॉम्बे सैंडविच खाई नहीं. दिल्ली वाली बॉम्बे सैंडविच इज नॉट, लोग बोलते हैं दिल्ली वाली नहीं है, बट दिल्ली वाली भी अच्छी होती है. पेट पूजा हो गई है और मैं काफी टाइम से बोल रही थी ऑनलाइन शॉपिंग चल रही है. तो एग्जैक्टली ऑनलाइन चल क्या रहा है वो आपको मैं बताने वाली हूँ. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है. एंड आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में प्रशांत. बेबी की रजिस्ट्री के बारे में. तो एक चीज़ आई गेस जो यूएस वालों से सीखनी चाहिए इंडिया वालों को, वो है बेबी रजिस्ट्री. काफ़ी किफ़ायती है, काफ़ी एफिशिएंट है, एफिशिएंट है. हाँ मुझे लगता है. तो बेबी रजिस्ट्री का फंडा ये होता है कि आप एक लिस्ट टाइप्स बना सकते हो एक वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट पे, उसमें आपको जो जो चीज़ें चाहिए वो उसमें डाल दो. तो उसमें क्या होता है कि अगर आप इन्हें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर लो, तो जो भी जिसको भी अगर आपको कोई गिफ्ट देना चाहता है तो उस सामान में से दे सकता है. क्या बात कर. तो मतलब इसमें क्या होता है ना, मल्टीपल चीज़ें होती हैं विद डिफरेंट बजट. मतलब $5 की चीज़ भी है, 50 की भी है, 70 की भी है. आपको डालनी पड़ेगी, आपको मतलब आपको डालनी पड़ती है. और वो रजिस्ट्री आप बहुत सारी वेबसाइट्स पे बना सकते हो. हमने अभी तक अमेजोन पे बनाई है. एग्जैक्टली कैसी दिखती है मैं आपको दिखाती हूँ. ये है सीन रजिस्ट्री का. ओके, शुड आई जूम इन, मे बी अ लिटल. या तो ये देखो, यहाँ पे रजिस्ट्री में ये सारे आइटम्स हैं और ये सारे आइटम्स में से ये सारी चीज़ें हमें चाहिए. और यहाँ पे 0 to 1 परचेज आ रहा है, तो मतलब ये सब चीज़ें नहीं खरीदी हैं. ये देखो, जैसे कार सीट है ऑलरेडी परचेज, मतलब ये हमें चाहिए, किसी ने हमें खरीद के दे दिया है. तो ऐसी रजिस्ट्री आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स बना सकते हो. लोग टारगेट पे बनाते हैं. देयर इज वन, वो कौन सा वाला था, वॉलमार्ट पे बनाते हैं, वॉलमार्ट पे बनाते हैं, बेबी लिस्ट करके वेबसाइट है, उस टाइप की जगहों पे बनाते हैं. काफी सारी जो शॉपिंग साइट्स होती हैं वो डिस्काउंट भी देती है. जैसे अमेजोन टारगेट आई थिंक 15% डिस्काउंट देते हैं रजिस्ट्री वाले आइटम्स. तो कोई और भी आपके लिए खरीदेगा ना, तो उसमें भी उसको डिस्काउंट मिलेगा.
एक और चीज होती है इसमें कि आई थिंक रेपिटेशन नहीं होता रजिस्ट्री से. तो जैसे मान लो अगर आपको कुछ लेना है तो ऐसा नहीं होगा चार लोगों ने आपको सेम चीज दे दी. और जैसे जंगल जिम बहुत चल रहा है आजकल, लोग जंगल जिम दे रहे हैं तो सब लोगों ने जंगल जिम दे दिया, ऐसा नहीं होगा. तो वो वाला इशू नहीं रहता, आपकी पसंद का सामान आएगा और सामने वाले को भी टेंशन नहीं होगी कि एग्जैक्टली क्या करना है. और अगर आपको किसी को शेयर भी नहीं करना, खुद भी आपको अपने लिए लेना है तो इसका फायदा काफी सारा डिस्काउंट मिलता है. मतलब एक तो डिस्काउंट मिलता है और शायद इसका रिटर्न पॉलिसी थोड़ी बेटर होती है कंपेयर टू नॉर्मल. तो वो सब चीजें एग्जैक्टली क्या क्या हमने लिया मैंने आपको दिखा दिया है. अभी चल रहा है इस पे काम, बहुत सारी चीजें. तो हमारा आई थिंक रजिस्ट्री बनाने में हमें बहुत टाइम लगा था. मतलब एक इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, हमें अभी भी अभी हम ऐड करते रहते हैं तो उसमें ऐड डायपर रैश, डायपर क्रीम, बेबी वॉश, क्लोथ्स, नाइट क्लोथ्स, बिब्स, दो चार जोड़ी कपड़े, आजकल वही चल रहा है. तो अभी हम ऐड कर रहे हैं, अभी भी आज हम बैठ के इसमें काम करने वाले हैं. सो ये है एग्जैक्टली. अभी आई गेस कुछ हमें गिफ्ट्स भी मिले इसके थ्रू, मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या. जैसे कि ये प्रेगनेंसी पिलो है और नर्सिंग पिलो. तो नर्सिंग पिलो है और काफ़ी सही है. इसमें बेल्ट भी है. इसे हम पहले ही बाद में खोलेंगे क्योंकि खोल के काफ़ी फूल जाएगा तो उसको रखने का प्रॉब्लम होगा. तो हमें ये मिला है और आइटम नंबर टू हमें मिला है डायपर कैडी. तो खोल दो इसको प्रशांत. हाँ खोल देते हैं. तो सेकेंड आइटम है ये डायपर कैडी. हाँ तो इसका बेसिकली पर्पस ये रहता है कि डाइपर की मतलब डाइपर चेंजिंग का जो भी सामान होता है, रैश क्रीम, डाइपर्स, वाइप्स, ये सब चीज़ें सब एक साथ रहती हैं. और आप इसमें से मतलब इसी में जहाँ पे आप डाइपर चेंज करते हो बेबी का, वहाँ पे इसे रख दो तो सब कुछ ऑर्गेनाइज रहता है. आप काफ़ी सारा सामान रख सकते हो. तो और जैसे आप किधर भी बैठे हो इसमें बाकी सारी चीज़ें आप डाल दोगे तो वो काम आएगी. आई गेस इसको थोड़ा फुलाना पड़ेगा, अभी इसका हालत थोड़ा टाइट है. और इसके बाद हम आपको दिखाने वाले हैं ये वाली चीज. ये है कार सीट के साथ वाला मिरर. तो यहाँ पे एक साल तक जो बच्चा होता है उसको ना कार में रेयर सीट मतलब उल्टा करके गोदी में लेके नहीं जा सकते और बच्चे को कार सीट में भी आगे नहीं बिठा सकते, पीछे बिठाना होता है. तो अगर आप ड्राइव कर रहे हो या फिर आप आगे बैठे हो तो बहुत दिक्कत होती है, आपको बच्चा दिखेगा ही नहीं. तो ये जो मिरर है अगर आप ये लगाओगे तो आपको जो अपने रेयर व्यू मिरर में बच्चा दिखेगा अगर आप पीछे पलट के देखोगे, सो यू कैन सी कि क्या हो रहा है. तो ये काफ़ी इफेक्टिव है, $10 to $15 का आता है और एक साल चलता है तो किफ़ायती है. एक और चीज़ जो हमने ली वो है ये, दिस इज मडेला का ब्रेस्ट पम्प. और ये काफ़ी सही है, इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप है और इसमें वो भी है बैटरी के थ्रू भी यूज़ हो सकता है. और ये बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं और इंश्योरेंस के थ्रू आपको मिल जाएगा. कभी कभी आपको फ्री मिल सकता है, कभी कभी आपको पार्शियल पेमेंट करनी पड़ सकती है या फिर कभी कभी आपको काफ़ी ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ती है, मतलब फुल पेमेंट. $200 का आता है, 200 तक का आता है. और इससे अच्छी क्वालिटी वाले भी हैं कुछ, वो थोड़े और एक्सपेंसिव आते हैं. और इससे कम क्वालिटी वाले भी हैं, वो 100 to 150 के भी आते हैं. ठीक है, तो ये इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं. आई थिंक ये मशीन होती है, ये बॉटल्स होती है, ये पंप्स होते हैं, ये थोड़ा ऐसे वायर्स होती हैं. इसका यूज़ कैसे करना है वो भी हमें सीखना पड़ेगा, बट ये हमें चाहिए था और ये हमने ले लिया है. सो दिस इज़ फ्यू मोमेंट्स लेटर और हमने थोड़ी चीज़ें और ऐड की अपनी लिस्ट में. और एक दो चीज़ें हमने दूसरी वेबसाइट से प्राइस कंपेरिजन में देखा, वहाँ पर अच्छी मिल रही है तो वो अभी हमारा चल रहा है, चलता रहता है हमारा. एंड द प्रेशर इज रियल मैन. मतलब अपने पेरेंट्स ने उस टाइम पे कैसे कर लिया था मुझे समझ नहीं आ रहा आजकल. तो मतलब इट्स अ टास्क ऐसा, और पता नहीं थोड़ा पेरेंट्स के टाइम पे आई थिंक कम चीज़ें लेनी पड़ती थी. आई थिंक वो जेनरेशनल भी एक हेल्प हो जाती है. हमारे पास यहाँ पे एडवाइस और ये सब चीज़ों के लिए हैं लोग, हम पूछते रहते हैं. मतलब मैं ना लेजिट डालती हूँ फ्यू क्वेश्चंस एंड देन आई राइट डाउन फ्यू थिंग्स, तो उससे हेल्प मिल जाती है. बट हाँ मतलब काफ़ी कुछ प्रेप करना पड़ रहा है. और आप यू नो एक प्रेगनेंसी का गुड पार्ट है जैसे आप फोटोज, रील्स, फनी रील्स आजकल मैं डाल रही हूँ वो भी है, व्लॉग्स बना रही हूँ एंड आई एम गुड. बट देर आर डेज इन विच आई डोंट फील ऑल राइट. ठीक है, और वो सबके साथ होता है एंड स्पेशली मतलब जैसे जैसे टाइम बीत रहा है ना, मतलब आई थिंक 1.5 महीने पहले आई वॉज ओके, नाउ आई एम लाइक वेरी वेरी मतलब मेरी बॉडी पूरी गिव अप हो रखी है और डाउन हो जाती है. और आई थिंक टायर्डनेस या फिर ब्रेथलेसनेस या फिर यू नो थोड़ा सा एंक्शियस फील करना भी बहुत ज़्यादा हो जाता है. रात को बाथरूम में इतने सारे ब्रेक्स होते हैं, मतलब आई गेस 1:12 बजे, 1:30 बजे, 1:04 बजे, 1:30 बजे जाते, मतलब यू कांट स्लीप फॉर द एंटायर नाइट, वो चीज़ें शुरू हो चुकी हैं.
वो तो अभी आने के बाद भी, बच्चे आने के बाद भी लंबा है वो है। और खाना बनाते हुए एग्जर्ट फील होता है, लाइक जैसे मैं अब इजी रेसिपीज बनाती हूँ, इफ आई एम लाइक एग्जर्टिंग माई सेल्फ टू मच तो गिव अप हो जाता है, मतलब खाना खाने तक मुझे ऐसा लगता है मुझे नहीं खाना। इवन लाइक पिछले 2-3 हफ्ते में ही काफी मेजर चेंज आ गया, मुझे भी लगा पहले ठीक था, उसके बाद एनर्जी लेवल ड्रॉप हो गया। और इमोशनली भी ना काफी आप वल्नरेबल फील करते हो, मतलब आपकी बॉडी बड़ी बदल रही होती है, अलग अलग तरीके के दर्द हो रहे होते हैं तुमको, तुम्हें लगता नहीं यार ये क्या हो गया ये क्या हो गया। एंड दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी कि मतलब अच्छी चीजें भी हैं बट एक थोड़ा एक कॉन्स्टेंट स्ट्रगल भी है। डॉक्टर विजिट बहुत जल्दी जल्दी होने लग गई है तो अभी जाना पड़ता है, अब हर हफ्ते हमारी डॉक्टर विजिट है फॉर द रेस्ट ऑफ द प्रेगनेंसी, रेस्ट ऑफ द प्रेगनेंसी। और इन जनरल लाइक करने को काफी काम रहता है, मतलब अभी अदर डे मेरे को अभी ऑफिस में कोई पूछा था या वीकेंड का क्या प्लान है, मैंने कहा कि अभी मेरे अगले महीने तक सारे वीकेंड के प्लान है बच्चे के लिए शॉपिंग करना, हमें चीजें समझना, ट्राइड एंड टेस्टेड करना, ये सब चीजों में टाइम जा रहा है। और हम लोग एक्चुअली टाइम भी ज्यादा लगाते हैं, हम लोग हर चीज में सोच सोच के करते हैं, ये नहीं एकदम से डिसाइड नहीं कर पाते, तो फिर उसमें भी टाइम लगता है। और अभी हमारा प्लान था बाहर जाने का बट बारिश थोड़ी थोड़ी शुरू हो चुकी है और बाहर पूरे आसार है बारिश आने के, सो हम लोग सोच रहे हैं थोड़ी देर में जाए, बट या द वेदर इज नॉट ग्रेट राइट नाउ, इट्स नॉट हॉट बट हाँ डेफिनेटली बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है, तो हम लोग सोच रहे हैं थोड़ी देर में जाएं। और बारिश हो रही है इनफैक्ट, हाँ बारिश हो रही है और नीचे ये सब खाली है क्योंकि आई गेस बारिश होगी तो लोग जा नहीं रहे, बट ये भाई साहब काफ़ी डिटरमाइंड है, भाई साहब है या नहीं भाई साहब ही है, तो बस वो सीन है। अब आई गेस थोड़ा वेट करते हैं, फिर हमें मार्केट जाना है कुछ सामान के लिए, तब मिलती हूँ। अभी हम लोग नीचे आ चुके हैं और हमें जाना है टारगेट जो कि है इसके पीछे, मैम मुझे हमेशा पता नहीं क्यों लगता है ये टारगेट है, बट ये टारगेट नहीं है, स्टेबल्स है, इसके पीछे टारगेट है और फिर आई गेस हमारी वॉक भी हो जाएगी। और बस ले रहे हैं हम कुछ या देखने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, अगर कुछ मिलेगा अच्छा तो तभी लेते हैं हम, ठीक है ओके। हमारा वो हो चुका है बाय द वे, जब ये होता है तभी आप क्रॉस कर सकते हो, ऐसे भागना नहीं, ओके बाय। एंड अभी हम लोग टारगेट में हैं और टारगेट हमारे घर से 10 मिनट दूर है प्रशांत, और यहाँ आते ही सबसे पहले मैंने प्रशांत को बोला, मैं प्रशांत आई एम टायर्ड, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो आए हैं, तो हमने आई गेस 2-4 एवोकाडो वगैरह सामान लिया है और एक चाय पत्ती ली हमने और अब हम जा रहे हैं कुछ और सामान लेने। राइट नाउ वी आर एट द बेबी सेक्शन और यहाँ बहुत सारे बेबी क्लोथ्स हैं, न्यू बॉर्न 0-3, 3-6, और अभी हम देखने आए हैं कि किस तरीके के कपड़े मिल रहे हैं। और जैसे कि आप हमें जानते हैं हम थोड़ा टाइम लगा के चीज़ें लेते हैं, सो वी आर योर टू सी क्या क्या मिल रहा है, सो या नाइस प्रिंट्स और ये सब चीज़ें भी हैं, वेरी वेरी क्यूट और आई गेस मतलब वेराइटी वगैरह काफ़ी सही है। इनफैक्ट अभी विंटर्स आने वाली हैं, अभी तो गर्मी है मतलब विंटर्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे कपड़े हैं। एंड वी आर डन विद आवर शॉपिंग, गोइंग होम राइट नाउ, पानी की बॉटल ख़त्म हो चुकी है और वो कौन सा वाला वो मीम है ना, मैं तो थक गई भाई साहब, मुझ पे एग्जैक्टली जाता है, मतलब 15 मिनट में ही ठीक है। अभी हम लोग घर जा रहे हैं पर आई गेस थोड़ा वॉक करना ज़रूरी होता है, इसीलिए आई एम डूइंग इट, अदरवाइज तो मतलब ठीक है थोड़ा तो निकलना चाहिए, पर ठीक है हो जाता है, ओके लेट्स गो होम और फिर मिलते हैं। एंड वी आर बैक होम, आई एम होपफुल आपको व्लॉग पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करना, आई एम सॉरी बट अभी घर से इतना ही बन पाता है और मैंने अपनी तरफ से ट्राई किया मतलब रजिस्ट्री दिखाने का या फिर दिल से दिल की जितनी बातें हो सकी वो करने का या फिर जो भी शॉपिंग चल रही है लाइफ में, एग्जैक्टली किसके लिए वो पता लगेगा, बट हाँ मैं अपनी तरफ से शेयर कर रही हूँ चीज़ें। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो सब्सक्राइब करना, प्लीज़ कीप मी इन योर प्रेयर्स, ब्लेसिंग्स भेजते रहना, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू फॉर बींग अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, टेक केयर, टाटा।